हेलो दोस्तों, तो ये जरी है और ये लेस पट्टी है सीक्वेंस का। तो इन दोनों के मदद से हम आज बहुत ही कमाल की एक एम्ब्रॉयडरी करेंगे जो स्लीव का डिज़ाइन होगा। और इस वीडियो की खास बात यह है कि ये डिज़ाइन बिना पैटर्न की बनने वाली है। तो और भी इंटरेस्टिंग बात है कि किस तरीके से हम एम्ब्रॉयडरी को डेकोरेट करते हैं। अगर आप एम्ब्रॉयडरी के न्यू लर्नर हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। किस तरीके से आप डिज़ाइन को वन बाय वन करके सेट करते हैं, इस सिंपल से डिज़ाइन को देख के आप बहुत सारे आइडियाज़ लगा सकते हैं और इसको और भी मॉडिफाई करके आप खुद का एक अपना डिज़ाइन बना सकते हैं इस तरीके से, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखिए, यहाँ पर हमने चावल टाके के ज़रिए ये कांटे पत्ती का एक लुक दिया है, जो कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इस डिज़ाइन में हमने एक सिंपल जो बेसिक एम्ब्रॉयडरी होती है उसका यूज़ किया है। और वीडियो पूरा कंप्लीट होगा तो आप खुद देख लेंगे कि इसमें हमने किस तरीके से बेसिक एम्ब्रॉयडरी यूज़ की है। दोस्तों, किसी भी काम के लिए जो उसका बेसिक वर्क होता है वो सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जैसे कि इस एम्ब्रॉयडरी के लिए मेन जो बेसिक एम्ब्रॉयडरी के पॉइंट होते हैं, जैसे कि 8-10 पॉइंट हैं, कभी आप अगर चाहेंगे तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं बिगिनर्स के लिए उस बेसिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक की कितनी नीड है। तो मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वर्क करूँगा और ट्राई करूँगा कि आपको भी कुछ हमसे सीखने को मिले। तो दोस्तों, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने जरी के साथ एक मैचिंग कलर का धागा लिया है और इसमें कोई भी मल्टीपल धागा यूज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक सिंपल सा डिज़ाइन है और इसको हमने सिर्फ जरी और मैचिंग धागे से ही बनाया है। तो अब हम मैचिंग कलर के धागे से इन पत्तियों को आउटिंग कर लेंगे, जिससे कि इसकी फिनिशिंग थोड़ी बेहतर हो जाएगी। और जो हमने वीडियो के शुरुआत में आपको वो लेस जो सीक्वेंस का पट्टी दिखाया है उसको हम लास्ट में अटैच करने वाले हैं, जो कि अटैच करने के बाद ये डिज़ाइन में काफ़ी कमाल का लुक आ जाएगा उसके लगने के बाद ही। इन खाली जगहों में हम एक एक बिंदी मार दे रहे हैं तीन पत्तियों के साथ। और इस प्याले के नीचे भी मैचिंग कलर का धागा चला देंगे, जिससे कि थोड़ा मैचिंग और भी मिक्स हो जाएगा इस डिज़ाइन में। तो अब हम फाइनली इसमें ये जो सीक्वेंस की पट्टी है उसको अटैच करने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से मुड़ चुकी है। तो सबसे पहले इसको सीधा रख के और उसके साइड में हमको एक नंबर के ब्रेक से, मतलब चौड़े टाके से, उसको सिलते हुए जैसे कि आप सिलाई करते हैं उस तरीके से अटैच कर देना है। इस तरीके के काफ़ी मटेरियल्स मिल जाते हैं जिसको आप चाहें तो एम्ब्रॉयडरी वर्क में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं आप, बॉर्डर के साइड में या फिर डिज़ाइन के अंदर। बहुत सारे प्रोसेस हैं, आप इसको अटैच कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को और भी कमाल का बना सकते हैं। इसको अच्छे से हम इस पर पैच कर लिए हैं ताकि ये बिल्कुल ऊपर की तरफ ना उठा रहे। और ये जो बिंदी है इसको
और हाईलाइट कर रहे हैं, जिससे कि हम जरी की आउटिंग को और बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो देखें डिज़ाइन को, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, ये बेसिक एम्ब्रॉयडरी से हमने काफ़ी अच्छी एक डिज़ाइन बना ली है। तो मिलते हैं फिर अगली कोई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।